नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है वो हम लोग एक जाति हैं जिनका नाम है गदरिया जाति। तो गदरिया जाति का क्या इतिहास है वो तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक जो है वो बात कहना चाहता हूँ। और ये यही बात है कि जो भी आप जिस भी लीडर को फॉलो करते हैं, किसी भी लीडर को आप फॉलो करते हो, तो आप उस लीडर में एक चीज़ जरूर पहले जो है देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैं एक इस प्रकार का प्रोपेगेंडा जो है चल पड़ा है इस देश के अंदर, कि आप उस लीडर को देख लीजिएगा कि वो लीडर कहीं ना कहीं आपको धर्म से जो है वो भटका तो नहीं रहा है। लीडर का काम धर्म से का पाठ पढ़ाना नहीं होता है, या लीडर का काम जो है धर्म को जो है वो कन्वर्जन करवाना नहीं होता है। लीडर का काम होता है दरअसल लीड करना, अर्थात आपके डेवलपमेंट करवा रहा है कि नहीं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, फिर वो वही एक कैरेक्टर होता है, गुण होता है एक अच्छे लीडर में। बाद बाकी आपके समय में जो बुरे वक्त है उसके समय में आपको साथ दे रहा है कि नहीं, ये सब चीज देखा जाता है। कभी भी ऐसे लीडर को फॉलो मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे जो है करोड़ 2 करोड़ रुपए में भी जो है लीडर बिक जाते हैं, कंप्लीटली बिक जाएंगे। और ये एक प्रकार का, क्योंकि हमने जो गदरिया जाति के इतिहास को देखा, तो मैं जानकर थोड़ा सा मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा। यहाँ पे हुआ क्या था, एक इशूज हैं कि बहुत सारे सो आपको, हाँ बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए गए हैं क्योंकि वो अपने जो आज मैं इतिहास आपको बता रहा हूँ कि मैं वास्तव में जो है वो पंच समाज जो है वो पंचाल के जो जैसे लोहार कुम्हार बढ़ई करे ये सब जो है वो सुनार ये सब जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के कुल के हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो क्षत्रिय कुल के भी हैं। इस पे 1910 के दशक में जो है शुरुआत हुआ था, और गडरिया की एक शिक्षित वर्ग ने अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा का गठन किया था। समुदाय के भीतर इस बात पर बहस चल रही थी कि समुदाय के नाम में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा जाए या नहीं। 1930 के दशक में उन्होंने खुद को पाली राजपूत के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया था, जो पाल क्षत्रिय का पर्यायवाची है। तो हुआ क्या था कि ये इशू चल रहा था, अर्थात आप देखिए कि जिनके पूर्वज सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, आज उनके जो लोग को आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि मैं, मतलब वो आपको देखेंगे कि आप सनातन परंपरा को ही बेइज्जती करते हुए या उनको अपमानित करने का चेष्टा करते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स को कहा जाता है चीप पॉलिटिक्स, अर्थात जो है सस्ती राजनीति। तो सस्ती राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं वो इसी तरीके के धर्म के पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे धर्म को जो है वो बदनाम करते हैं। अब हम जो इतिहास को देखते हैं वो गदरिया जाति का इतिहास क्या है, प्राचीन इतिहास है। और गदरिया जाति का, गदरिया का मतलब होता है कि भेड़ चला चराने वाला। तो प्राचीन काल में जो भेड़ चराने वाले होते थे उनको चरवाहा भी आप कह सकते हैं। और उड़ीसा के अंदर जो है गोपाल और गोरा समुदाय के लोग रहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं गौ गाय को चराने वाले चरवाहे थे, और जो गदरिया है वो भेड़ चराते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अब देख कर आप हैरान हो जाओगे कि जो पाल राजवंश है वो कहीं ना कहीं गदरिया समुदाय का ही एक राजवंश है। वहीं पर जो आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे मल्हार होलकर, संस्थापक जो है मल्हार राव होलकर, तो होलकर वंश भी जो है गदरिया समाज के अंतर्गत ही आते हैं, यह भी बात यहाँ पे देखने को मिलता है। धननगर जाति के लोग देवताओं की विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शिव, विष्णु, पार्वती और लक्ष्मी उनके कुल देवता या कुल देवी के रूप में शामिल है। इन रूप में खंडवा या जो है वीर लिंगेश्वर, जिनको बीरोबा भी कहा जाता है, महोत्सवा, धुलोबा या धुलेश्वर, इन सब जो है सिद्धनाथ जो है सिदोवा, इन सब तरह के भगवान जो है उनकी पूजा पद्धति करने का गदरिया जाति के अंतर्गत जो है परंपरा रहा है, सदियों से रहा है इनका परंपरा। अब एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि ये सब परंपरा है इनके, और बहुत सारे ऐसे लोग आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे जो इसी तरीके से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यदि आज उनके लीडर के मुंह से आप सुनेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दिखाई देंगे कि वो उनको बहुत सारे फॉल्ट जो है वो सनातन परंपरा के अंतर्गत अंतर्गत उन्हें लगता है। अब क्यों लगता है, क्योंकि वो जो है वो वही डिवाइड एंड रूल तरीके के पॉलिटिक्स को खेलना चाहते हैं। इतिहास क्या था, अब मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते कहते थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी जाति, लगभग 50 से ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखे होंगे जाति सभी कास्ट के ऊपर, मुख्य मुख्य जो कास्ट है इंडिया के अंदर सभी के ऊपर लगभग मैंने बनाया। तो मुझे जानकर खुद भी मैं हैरान हो गया, क्योंकि पहले मैं सोचता था कि जो कास्टिज्म है वो तो बिल्कुल ही एक इसमें जान नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भरा हुआ, बहुत सारे ऐसी चीज है जो आपको कहीं पे और हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलते हैं। पाल राजवंश जो है, पाल का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करने वाला एक जो है सेनापति,
तो वो पाल राजवंश का संस्थापक पाल राजवंश जो है गदरिया जाति में ही आ गया करते थे। तो मध्यकालीन भारत में जब आक्रांता आए इस देश के अंदर, तो ये लोग क्या किए, उनकी भाग गए, जंगल की तरफ भाग गए और जंगल में जाके अपने जीवन यापन को करने लगे, किसी भी प्रकार से अपना धर्म का रक्षा किए और अपना जो उपनयन संस्कार था उसको भी त्याग दिया। अब जब उन्होंने उपनयन संस्कार को त्याग दिया, इस वजह से धीरे धीरे चलते चलते जो है इनकी सामाजिक जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। लेकिन दरअसल है ये प्राचीन काल के जो है वो क्षत्रिय ही, जो कि इनके बहुत सारे गदरिया जो शिक्षित परिवार के गदरिया हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि हमारे नाम के आगे जो है ये आपका राजपूत या क्षत्रिय प्रत्यय जो है लगाया जाए। अब देखिए कि वो सब जब ऐसा किए तो अभी जो है हाल में आप ऐसे तमाम सारे ऐसे जो बदलाव देखते हैं वो दरअसल क्या, तो इस बात को भी समझने और जानने की आवश्यकता है। आई होप सो कि गदरिया जाति की संक्षिप्त इतिहास जो है आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो मिलते हैं आगे, तब तक।